रही हूँ कि मैं लग रही हूँ बिकॉज मैंने एथनिक वेयर पहना है, एंड आई फील के जो खूबसूरती आपको यू नो ये पहनने के बाद फील होती है वो किसी भी वेस्टर्न में, किसी भी कैजुअल में, किसी भी गाउन में नहीं होती है. सो आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ एथनिक वेयर एंड इंडियन क्लोदिंग. सो या क्रेज शोरूम में आके कितना क्रेजी फील कर रही हैं पहले तो? काफ़ी क्रेजी फील कर रही हूँ बिकॉज कुछ बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, और अब एक्चुअली क्या हो गया ना, मैंने शॉप में जाना बंद कर दिया है, सब मोबाइल में कपड़े देख कर ही मंगवाती हूँ मैं. तो मैं काफ़ी टाइम बाद ऐसे कोई एथनिक स्टोर में आई हूँ, आई थिंक काफ़ी ऐसे 2-3 साल आ रही हूँ के लिए ऐसे यू नो कि मैं ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि अच्छा हाँ यू नो एक साथ इतने वैरायटीज आपको सामने से देखने मिलते हैं, क्योंकि ये कपड़ा भी मैंने ऐसे फोन में देखकर ही मंगाया है. तो मुझे काफी ऐसे अच्छे फील आ रहे हैं. मैंने कहूँ की कलेक्शन आपने देखे, किस तरह के कलेक्शन आपको लगे, कितना पसंद आया कलेक्शन? तो कलेक्शन में बहुत बहुत सारी वैरायटी है और बहुत ही कलरफुल है. यू नो हम मोस्टली देखते हैं कि ब्राइडल वेयर में आप तो पिंक होता है या तो रेड या तो मरून टाइप होता है, बट यहाँ पे आई सी देयर आर सो मेनी कलर्स इन ब्राइडल वेयर एज वेल. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन फॉर द ब्राइड्स, बी फॉर द रिसेप्शन और देयर मीन शादी. और आई थिंक ये पूरा ही फैमिली शोरूम है, सो इट्स फॉर एवरीबडी. तो जिसको भी पूरी जिसकी भी शादी हो रही है घर में, तो वो एक ही शॉप में आके सब खरीद सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड. यू नो हर किसी को ऐसे अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है एक ही शॉप में आके, बिकॉज आई नो कितना प्रेशर होता है शादी के टाइम पे सबको ये वो सब. ओके, अगर वेडिंग सीजन की बात की जाए तो मतलब किस तरह का स्टाइल स्टेटमेंट आप प्रेफर करती हैं? So I don't prefer any style statement. It actually depends. I love wearing lehengas. एंड जो मुझे बहुत कम पहनने को मिलता है बिकॉज इतने मौके नहीं आते लहंगा पहनने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा आई लाइक वेयरिंग सारीज. सो अभी सो नाउ दैट आई हैव लाइक ऑलमोस्ट ग्रोन, आई कैन वेयर सारी यू नो ड्यूरिंग थिंग्स. आई एम प्रेफरिंग टू वेयर सारी इन सम, अभी किसी की शादी हो जाए अभी वेट करना पड़ता है, शादी हो किसी की तो लहंगा पहनूंगी, तो मैं साड़ी पहनूंगी. लास्टली क्या कहना चाहेंगे फैन को व्हेन वी कैन सी यू ऑन टेलीविजन, लाइक No. आई एम नॉट डूइंग टेलीविजन. मैं टेलीविजन नहीं कर रही हूँ, मुझे टेलीविजन बंद करके 1 साल हो गया है. और पहले कोई रूमर दे रहा था कि आई एम कमिंग इन नागिन, एंड देन आप बोल रहे हो अभी ये रिश्ता में. आई एम नॉट डूइंग एनी टेलीविजन शो एंड आई एम नॉट डूइंग टीवी. आई हैव स्टॉप्ड इट फॉर अ व्हाइल. आई हैव अ लॉट मोर डिफरेंट थिंग्स दैट आई हैव टू अनाउंस येट, विच यू गाइज विल नो वेरी वेरी सून. सो इट्स नॉट दैट आई एम ओनली डूइंग म्यूजिक एल्बम्स, इट्स अ लॉट अदर थिंग्स दैट आई एम डूइंग. सो थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है. इस स्टोर का नाम है क्रेज इंपीरियल फैमिली फैशन स्टोर, और अभी जितना मुझे मौका मिला है ऊपर आने में, थोड़ा बहुत जो भी मैंने स्टोर अभी फ़िलहाल अभी तक देखा है, मुझे कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा है. और यहाँ से मैं देख रही थी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास है जहाँ से मुझे उस तरफ दिख रहा है, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लहंगे हैं, गाउन्स हैं. तो अभी तो मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन इसके बाद मैं जाके वो ट्राई करने वाली हूँ. और अगर मुझे वो एक लाल जोड़ा दिख रहा है यहाँ से जो कि बहुत खूबसूरत है, आई थिंक सारी दुल्हनों के लिए. अरे यार आप पैन कर सकते हो वहाँ पे. अरे वो एक्चुअली बड़ा सुंदर लहंगा है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई इतने सुंदर सुंदर कपड़े देख के. अभी मैं जाके सब देखूंगी, ट्राई करूंगी. अरे एक्चुअली बहुत प्रिटी है. ओके, व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल लुक, आप क्या खुद पसंद करते हो जब आपको कोई शादी अटेंड करनी होती है, जैसे कोई फंक्शन? इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द मूड. आई लाइक टू वेयर अनारकली सूट्स, आई लाइक टू वेयर लहंगास, एंड इट एक्चुअली डिपेंड्स. I like traditional outfits. भाई ये रिश्ता में तो यू नो वी हैव सीन कि हर एक शायद आउटफिट ट्रेडिशनल आउटफिट आपने ट्राई कर लिया, हर एक लुक आपने ट्राई कर लिया. आपका फेवरेट कौन सा है सीरियल में जो आपने कैरी किया, लाइक इन टर्म्स ऑफ मुझे नायरा के सारे ही कपड़े बहुत पसंद हैं, लेकिन एक जोड़ा है जो मैं हमेशा कहती हूँ जो मेरा फेवरेट है, एक आउटफिट, वो मेरा शादी का आउटफिट था जब नायरा और कार्तिक की पहली बार शादी हुई थी बीकानेर में. वो जो मेरा लाल जोड़ा था वो बहुत ही खूबसूरत था. मुझे मैं हमेशा ये चीज़ मानती भी हूँ, मतलब मेरी ये पर्सनल चॉइस है कि दुल्हन के लिए तो लाल जोड़ा परफेक्ट होता है, आई थिंक वो दुल्हन का आउटफिट होता है. तो मुझे वो आउटफिट बहुत सुंदर लगा था, अगर मेरा बस चलता तो मैं वो आउटफिट रख लेती. लेकिन नहीं, बट हो सकता है कुछ आने वाला आर्टिस्ट. ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे कितना ग्लैड फील कर रहे हैं कि टीवी के दो इतने मशहूर एक्ट्रेस शिवानी एंड जन्नत इज हियर टू लॉन्च योर शोरूम, कितना ग्लैड? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं भी जोशी हूँ, ये भी जोशी है.
हमारा क्रेज है, ये क्रेजी है. अभी खाली ये जो हमारे जो स्टोर्स के लिए और हमारे जो परचेजिंग है या हमारा जो कलेक्शन है उसके लिए मैम जितनी सिफारिश करेंगी उतनी पब्लिक को, इनके जो फैंस है एटलीस्ट वो तो यहाँ पर एक बार जरूर आएंगे. एक्चुअली कलेक्शन काफ़ी अच्छा है. ब्राइडल कलेक्शन जो है वो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो बस अभी मैं खुद भी ट्राई करने वाली हूँ और आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज द कलेक्शन इज वेरी यूनिक एंड वेरी नाइस. इंडस्ट्री की बात की जाए तो काफ़ी मतलब काफ़ी लोगों की शादी हो चुकी है, बट आप किससे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं? एनी सॉर्ट ऑफ बॉलीवुड मैरिज और एनीथिंग बॉलीवुड एक्टर्स के मैरिज या किसी कोई पर्टिकुलर शादी से बहुत आप इंस्पायर करते हैं कि हाँ मेरी भी ऐसी होगी? नहीं, अभी मैं ऐसा इतना ज़्यादा मतलब यार मुझे जिनकी शादी जो बहुत प्यारी लगी थी वो थी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली. उनकी शादी बहुत ही बहुत प्यारी थी. मतलब इट वॉज लाइक अ ड्रीम वेडिंग. दे लुक सो हैप्पी एंड यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल. एंड आफ्टर दैट दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह, उनकी शादी भी आई थिंक बहुत ही प्यारी थी. अलग तरीके की थी बट बहुत खूबसूरत थी. बस हाँ, ये दोनों शादियाँ मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी. ओके, अपने फैंस को कुछ स्टाइलिंग टिप्स देना चाहेंगे? एंड मैं भी अभी परसों एक शादी का फंक्शन अटेंड कर रही हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ पर मुझे क्या अच्छा लग रहा है तो मैं यहीं से लेके चली जाऊँगी कपड़े. और सारी आई थिंक ब्राइड्स के लिए एक टिप देना चाहूँगी. आप लोगों का दिन होता है एंड आप लोगों को पता, आप लोग ऑब्वियसली दुल्हन के जोड़े में आई थिंक सारी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं. तो आपका हक है बहुत ही स्पेशल दिखना, बहुत ही अमेजिंग दिखना और आप लोग आई एम श्योर दिखेंगे. लेकिन एक टिप जो मैं मानती हूँ वो हमें करना चाहिए वो है कि जो फुटवेयर हम पहने ना वो हमें थोड़े कंफर्टेबल पहनने चाहिए बिकॉज़ हम पूरे दिन भर वही पहन के रखते हैं. अगर पैर में दर्द हो जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर फोटोज खिंचाने के लिए खड़े रहने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी. तो आई थिंक फुटवेयर हमें ऐसा पहनना चाहिए जो बहुत ही कंफर्टेबल है. लास्टली अपनी शादी को लेकर कुछ सोचा है कभी? यू नो हर शादी हर एक लड़की का सपना होता है कि क्या पहनूंगी, ऐसा कैरी करूंगी. तुम्हारी शादी होगी? बच्चा भी होगा. चलो गलत है. आपने कभी सोचा है कि अपनी शादी में कि यू नो कुछ ऐसे कैरी करूंगी और किस तरह का लुक कैरी करूंगी? एक चीज़ तो अभी तो टाइम है लेकिन एक चीज़ है जो मैं करूँगी वो है कि मैं लाल जोड़ा पहनूंगी बस. और बाकी मुझे नहीं पता. और आप ये भी बता दो आप क्रेज से ही परचेज करेंगे? अब बिल्कुल. मैं देखूंगी जरूर मैं आपको स्टाइल देखूंगी. अभी मैं देखने वाली हूँ आपको. अभी दिखाऊंगा मैं आपको. Thank you all of you for loving us so much, for loving Kartik and Naira so much. And I always say that and I will say that because you love us so much. Thank you for loving our show so much and please keep supporting us and we love you all. Okay, also we can see a very interesting it actually looks yummy. It gems. ये जेम्स के जैसा लगता है ना, ये जेम्स से इंस्पायर्ड है. मुझे कुछ डिफरेंट करना था यार. अभी मुझे बड़ा फनी लगा. मुझे कुछ डिफरेंट करना था तो मैंने ये कर लिया. मैं फीट पे तो मैंने पहले भी किया है पर हमारा इतना दिखता नहीं है. लेकिन हैंड्स पे मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है. कई लोगों को तो बहुत फनी लगा और छोटे बच्चे तो खासकर अभी भी आई थिंक बाहर जो छोटे बच्चे आए होते ना मेरे हाथ ऐसे रखे थे तो वो सिर्फ मेरे हाथ को देख रहे हैं. मेरे सेट पर भी जो कार्यव है वो कहता है ये तो जेम्स है खा लूँगा. मैंने कहा अरे यार, बट आई रियली लाइक दैम. मतलब आई मुझे बड़ा अच्छा लगा. इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है.